बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट जेन टेक। और मैं मोहम्मद उसामा शर्पा। अच्छा, आज हम आपके लिए HP के लैपटॉप का रिव्यू लेकर आए हैं। ये भी आपको मैं बता सकूं तो अनबैंडविड्थ किस्म की मशीन है, लेकिन ये कि बेसिक काम के हिसाब से 6th जनरेशन की मशीन है और प्राइस के अंदर लो प्राइस के अंदर है। तो इस पर हमने कहा कि अपने व्यूअर्स का रिव्यू ज़रूर करें ताकि जिनको लो बजट के अंदर नॉमिनल मशीन चाहिए तो उनको जो है ये मिल सके। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं, आपको बताते हैं HP 250G6 इंटेल कोर i3 6th जनरेशन। टोटली ग्रे कलर है इसका, प्लास्टिक है, 15.6 इंच की मशीन है ये। बॉटम भी इसका टोटली प्लास्टिक है, मल्टीपल डक्स दी हुई है हीट ट्रांसमिट के लिए। 6 सेल इसके अंदर बैटरी लगी हुई है। और अगर हम इंटरनल की इसकी बात करें तो इंटरनल इसका जो है इसकी स्क्रीन जो है 15.6 इंच HD डिस्प्ले के साथ है। 720p रेजोल्यूशन कैमरा है i3। और बॉटम की अगर हम बात करें तो बॉटम इसका जो है वो न्यूमेरिक पैड के साथ है, ट्रैक पैड है, ट्रैक पैड के साथ अलग से बटन दिए हुए हैं। इसके अंदर अगर आप देखेंगे i3 6th जनरेशन के प्रोसेसर की ब्रांडिंग हुई हुई है। और अगर हम मशीन को ऑन करते हैं, मशीन को ऑन करके हम आपको इसकी स्पेसिफिकेशन बताते हैं। अच्छा, अभी जो मशीन जो हमारे पास जो है मौजूद है हालत के अंदर है, मतलब जिसका उसमें है स्पेसिफिकेशन में, ये 4GB रैम और 500GB हार्ड ड्राइव के साथ, तो नॉर्मल 500GB हार्ड ड्राइव है। हम उसी के साथ आपको प्राइस कोट करेंगे ताकि आप लोगों को एक अच्छी प्राइस जो है मिल सके। 4GB रैम और नॉर्मल 500GB इसके अंदर हार्ड ड्राइव होगी। मशीन जब तक ऑन हो रही है, पोर्ट्स के वाले से बात करें तो DVD रोम है इस मशीन के अंदर, लॉकिंग सिस्टम है, DVD रोम है, राइट साइड पे देखेंगे प्लस USB पोर्ट है और SD कार्ड की स्लॉट है। लेफ्ट साइड के अगर हम पोर्ट्स की बात करें तो लेफ्ट साइड पर आप इसका देखेंगे हेडफोन जैक है, दो USB पोर्ट्स हैं, उसके अलावा HDMI पोर्ट है, ईथरनेट पोर्ट है, VGA पोर्ट है, हीट ट्रांसमिट के लिए डक दी हुई है और चार्जिंग पोर्ट है। मशीन हमारी ऑन हो गई है, ऑन हो गया हम इसकी स्पेसिफिकेशन बताते हैं। वेट भी अगर हम मशीन का पहले ही कर लें जब तक मशीन ऑन हो रही है, क्योंकि नॉर्मल हार्ड ड्राइव के ऊपर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेती है, तो मीन टाइम हम मशीन का वेट भी कर लेते हैं। ऑलमोस्ट जो इसको वजन है वो 2000 ग्राम के करीब इसका वेट है। अच्छा, स्पेसिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं मशीन की, उसके बाद फिर आपको बताते हैं। अच्छा, ये आपको साथ साथ बता देंगे, मैं आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बता चुका हूँ कि इसके अंदर ये जो मशीन्स होती हैं इनमें कीबोर्ड के अंदर बैकलाइट नहीं होती, ये विदाउट बैकलाइट वाले कीबोर्ड होते हैं। विदाउट बैकलाइट के साथ होते हैं इन कीबोर्ड्स के अंदर जो है अंदर बैकलाइट नहीं होती है। आपको मैं प्रीवियस जैसे अभी हमने अपना प्रीवियस वीडियो के अंदर डेल के भी लैपटॉप का जो है वो रिव्यू किया था, तो इसके अंदर विदाउट बैकलाइट के साथ होता है। स्पेसिफिकेशन अगर हम इसकी बात करें, आपको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके इसकी स्पेसिफिकेशन आपको बताएं मशीन की। HP 250G6 इसका मॉडल नंबर है, इंटेल कोर i3 6th जनरेशन के साथ ये मशीन है। अगर आप ये देख सकते हैं खुलता है, जी ये देख सकते हैं HP 250G6 नोटबुक। और उसके अलावा फर्दर अगर हम इसकी यहाँ से सेटिंग में जाके इसकी प्रोसेसिंग के हवाले से बात करें तो इंटेल कोर i3 6006U Series 2 GHz का प्रोसेसर है मशीन के अंदर। 4GB रैम है, 4GB रैम के साथ भी हो सकता है हम अभी, लेकिन 8GB लगे, मैं आपको 8GB के साथ ही प्राइस कॉट कर दूंगा इस मशीन के। 8GB रैम, 500GB हार्ड ड्राइव के साथ। और उसके अलावा डिस्प्ले की अगर हम मशीन की बात करें तो डिस्प्ले इसका जो है 520 ग्राफिक कार्ड है और 768 HD डिस्प्ले है इसका मशीन का। वेट के हवाले से अगर हम बात करें, क्योंकि वेट सही सही से नहीं पता चल सका था, 2000 ग्राम, हाँ ऑलमोस्ट जो है 2 kg के करीब इसका वेट है। HP नोटबुक 250G6 इंटेल कोर i3 6th जनरेशन, 8GB रैम, 500GB नॉर्मल हार्ड ड्राइव के साथ, 15.6 इंच नम पैड वाली मशीन हम अपने व्यूअर्स को प्रोवाइड करेंगे सिर्फ और सिर्फ 35,000 रुपीज़ में, 35,000 रुपये में ये आपको मशीन हम प्रोवाइड करेंगे i3 6th जनरेशन की। तो आई होप सो कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपके पास फ्यूचर नोटिफिकेशन आते रहे। इसी के साथ आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।